हाय एवरीवन, होप यू डूइंग वेल। लास्ट वीक हमने एक रिस्क मैनेजमेंट पे एक वीडियो अपलोड किया और अपना सब्सक्राइबर स्ट्रेटजी सीरीज का कैश काउ वाली जो स्ट्रेटजी है उसका अपडेट वीडियो डाला था। अगर आपने अब तक वो नहीं देखा है दोनों, तो आपको एक वीडियो सजेस्ट होता रहेगा, आप दोनों चेकआउट कर सकते हो या लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा। सो ये वीडियो हमारी फेमस यूट्यूबर फ्री स्ट्रेटजी सीरीज का है एंड द क्रेडिट फॉर द टुडे स्ट्रेटजी गोज टू स्वप्नाजी शर्मा हु हैज अ यूट्यूब चैनल विद ओवर 130K सब्सक्राइबर्स। आप उनका चैनल स्क्रीन पे देख सकते हो। हमारा भी चैनल पे 3K हो गया है, हमारे भी चैनल पे 3K हो गए हैं। और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो जल्दी सब्सक्राइब कर दो यार। सो टुडे वी आर गोइंग टू बैक टेस्ट एन अनदर पावरफुल स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी प्रोवाइडेड बाय स्वप्नाजी शर्मा। स्क्रीन पे आपको ये वीडियो दिख रहा होगा, लेट्स सी हाउ गुड दिस वन इज। स्ट्रेटजी सिंपल है, बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल इंडिकेटर्स है। ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के लिए 2 EMA यूज किया है, मोमेंटम के लिए इन्होंने RSI और MACD दोनों यूज किया है। इवन दो इतने सारे इंडिकेटर्स है, स्टिल स्ट्रेटजी में एक सब्जेक्टिव बात है, कम्प्लीटली ऑब्जेक्टिव या फिर रूल बेस्ड स्ट्रेटजी नहीं है फिलहाल। उसके लिए हमने इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन किया है, वो मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। और रिस्क रिवॉर्ड भी नहीं बताया उन्होंने अपनी वीडियोस में, सिर्फ इतना बोला कि ये देखिए इतना प्रॉफिट मिला या फिर इतना हाई बनाया या फिर इतना लो बनाया। तो इंट्रो के बाद चलते हैं जहां हम स्वप्नाजी शर्मा जी की स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को 100 times टेस्ट करेंगे Nifty 50 के इन 4 stocks में। और इन्हें अपने वेटेज के हिसाब से सिलेक्ट किया गया है ताकि ये Nifty 50 को रिप्रेजेंट कर सके और हमें आइडिया आए कि इंडियन मार्केट में कैसे काम करता है। सो हाई एवरीवन, दिस इज प्रणीत फ्रॉम ट्रेडर इनसाइट, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले आपको ट्रेडिंग व्यू में टाइम फ्रेम को 1 hour करना है। अभी चार्ट में 2 exponential मूविंग एवरेज प्लॉट करना है विद पीरियड 50 and 200। ये 50 वाला फास्ट मूविंग एवरेज है जो शॉर्ट टर्म का ट्रेंड बताएगा और 200 EMA स्लो मूविंग एवरेज है, ये हमारा रेगुलरी है। 200 EMA से हमें पता चलता है कि स्टॉक अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है और फेक सिग्नल्स को फिल्टर आउट करता है। नेक्स्ट वी विल एड RSI एंड देन चेंज द RSI लेंथ टू 3 और स्टाइल में जाके RSI अपर बैंड और लोअर बैंड को छोड़ के बाकी सब अनटिक करेंगे। अपर बैंड के उधर वैल्यूज को 80 करेंगे और लोअर बैंड को 20 करेंगे। नाउ वी विल ऐड MACD और इसके सेटिंग्स में सब वैल्यूज डिफॉल्ट ही रखेंगे। बस स्टाइल में जाके हिस्टोग्राम अनटिक करेंगे और फिर MACD को ग्रीन कर देंगे और सिग्नल को रेड कर देंगे। चलिए रूल्स फॉर बाइंग देखेंगे स्वप्ना जी के हिसाब से। फॉर बाय सेटअप 50 EMA शुड बी अबाउट 200 EMA, लेटेस्ट क्लोज शुड बी अबाउट 50 EMA, RSI विद पीरियड 3 शुड बी अबाउट 80, MACD लाइन शुड बी अबाउट MACD सिग्नल दैट इज ग्रीन लाइन शुड बी अबाउट रेड लाइन, 2 bullish candle फॉर्म होना चाहिए वेयर सेकेंड कैंडल शुड क्लोज अबाउट प्रीवियस बुलिश कैंडल हाई, प्राइस शुड बी नियर 50 EMA। इधर ही आपको समझ गया होगा ये लास्ट कंडीशन सब्जेक्टिव है, नियर बोल दिया बट क्या नियर होता है ये डिफाइन ही नहीं किया। एंट्री वुड बी हाई ऑफ द सेकेंड बुलिश कैंडल, स्टॉप लॉस उनके हिसाब से जो प्रीवियस कैंडल का लो है उसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस होगा। एक और चीज बोला है, जब प्रीवियस कैंडल का लो 200 EMA बहुत क्लोज होगा तो 200 EMA के नीचे स्टॉप लॉस रखना है। बट क्लोज मतलब क्या होता है ये पार्ट तो सब सब्जेक्टिव ही होता है राइट, और टारगेट क्या है ये भी नहीं बताया। वेल प्रॉब्लम का सोल्यूशन है सिंपल, हमने जैसे हमारी 44 मूविंग एवरेज वाली स्ट्रेटजी में सॉल्यूशन दिया था इधर भी हम वैसा ही कुछ करेंगे। उधर हमने मूविंग एवरेज बैंड बनाया था, यहाँ हमने एक EMA बैंड बनाया है, बेसिकली वही मूविंग एवरेज बैंड जैसा है बट यहाँ पर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। हमने उसका कोड डिस्क्रिप्शन में दिया है और मैंने ट्रेडिंग व्यू में भी पोस्ट कर दिया है, आपको सिंपली ट्रेडिंग व्यू में सर्च करना है EMAB+EMA तो आपको ट्रेडिंग व्यू के लाइब्रेरी में मिल जाएगा या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, आप वहां पर जाके उसको फेवरेट में ऐड कर सकते हो। और एक चीज में हमने जानबूझ के एक 200 EMA ऐड किया है ये इंडिकेटर्स में, क्योंकि ये सेटअप यूज करने के लिए आपको 4 इंडिकेटर्स चाहिए, एक 50 मूविंग EMA, एक 200 मूविंग EMA, एक RSI और एक MACD। और ट्रेडिंग व्यू आपको सिर्फ 3 इंडिकेटर यूज करने देता है फ्री वाले वर्जन में और आपके पास है इंडिकेटर 4, इसके लिए हमने 2 इंडिकेटर को कंबाइन कर दिया एक साथ। सो सिंपली यहाँ पर हम EMAB+EMA ऐड कर देंगे चार्ट में और फिर सेटिंग्स में जाके लेंथ को 50 करेंगे और नीचे 200 लेंथ को 200 ही रहने देंगे। अगर आप कोई और सेटअप में ये यूज करना चाहते हो तो आप चेंज कर सकते हो उसको बेसिकली, फिर स्टाइल्स में जाके कलर आपको जैसा चाहिए वैसा आप चेंज कर सकते हो।
चलिए मॉडिफाइड रूल्स पे चलते हैं. फॉर बाय सेटअप 50 EMA शुड बी अबाउट 200 EMA, लेटेस्ट क्लोज शुड बी अबाउट 50 EMA, RSI विद पीरियड 3 शुड बी अबाउट 80, MACD लाइन शुड बी अबाउट MACD सिग्नल, दैट इज ग्रीन लाइन शुड बी अबाउट रेड. 2 बुलिश कैंडल शुड फॉर्म वेयर सेकेंड कैंडल शुड क्लोज अबाउट प्रीवियस बुलिश कैंडल हाई. 1 ऑफ द 2 बुलिश कैंडल शुड टच द बैंड, ये वाला पार्ट हमने ऐड किया है. दोनों बुलिश कैंडल में से कोई एक कैंडल कम से कम जोन को टच करना चाहिए, तभी आप एंट्री ले सकते हो. ये रूल ऐड करके हमने स्ट्रेटजी को सब्जेक्टिव से ऑब्जेक्टिव बना दिया है. से ये एग्जांपल देखिए, एक कैंडल तो जोन को अंदर टच कर ही रहा है. इस केस में भी एंट्री विल बी एट द हाई ऑफ द सेकंड कैंडल. स्टॉप लॉस में भी हमने एक मॉडिफिकेशन किया है. स्टॉप लॉस जो लास्ट 2 बुलिश कैंडल जो हमने बोला है ना, इधर जो कंटिन्यूस 2 बुलिश कैंडल बन रहा है, इन दोनों में से जो भी लो रहेगा नीचे, सबसे नीचे इन दोनों में से जो लोवेस्ट लो रहेगा ना, हमको स्टॉप लॉस उसके नीचे रखना है. बहुत सारे केस में जो रिसेंट जो फॉर्म हुआ है बुलिश कैंडल, उसका लो नीचे रहता है बहुत सारे केसेस में इसके लिए. और जो 200 EMA वाला केस है, उसमें अगर 2 कैंडल का लो जोन को टच करता है और 200 EMA भी जोन के अंदर है, तो दोनों कैंडल का लो और 200 EMA जो भी इसमें से लोएस्ट होगा, हम उसके नीचे स्टॉप लॉस रखेंगे और टारगेट टेस्टिंग के लिए हम 2:1 रखेंगे. चलिए सेल के लिए देखते हैं. सो रूल्स फॉर सेल सेटअप, 50 EMA शुड बी बिलो 200 EMA, लेटेस्ट क्लोज शुड बी बिलो 50 EMA, RSI पीरियड 3 शुड बी बिलो 20, MACD लाइन शुड बी बिलो MACD सिग्नल, दैट इज ग्रीन लाइन शुड बी बिलो रेड लाइन. 2 bearish candles should form where the second candle should close below the previous bearish candle low. 1 of the 2 bearish candles should touch the band. दोनों bearish candle में से एक bearish candle को zone touch करना चाहिए, तभी ही आप entry ले सकते हो. Entry will be the low of the second candle. Stop loss same ऊपर जैसा modification है, जो 2 bearish candle form हुए हैं उसका जो high है, दोनों में से जो भी high ज़्यादा रहेगा आपको उसके ऊपर stop loss रखना है. और EMA क्लोज वाला जो कंडीशन है, उसमें अगर जो लास्ट 2 कैंडल जोन को टच करता है और EMA भी और 200 EMA भी जोन के अंदर है, जो भी सबसे हाईएस्ट वैल्यू रहेगा आपको उसके ऊपर स्टॉप लॉस रखना है और टारगेट ऊपर जैसा मैंने बोला 2:1. चलिए आई होप स्ट्रेटेजी क्लियर है. सिंस ये स्विंग ट्रेडिंग सेटअप है, इसलिए हम सिर्फ बाय एंट्री देखेंगे. आप उनका वीडियो जरूर देखिए. अगर आपको स्ट्रेटेजी के बारे में और डिटेल में जानना है तो लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन. वीडियो में मेजर पार्ट सिर्फ चार्टिंग स्क्रीनर के ऊपर ही है कि वो कैसे बनाना है, बट स्टिल मेक श्योर टू चेक इट आउट. तो इस स्ट्रेटेजी को हम 100 टाइम टेस्ट करेंगे और इसकी असली विन रेट चेक करेंगे. सॉरी स्ट्रेटेजी का बैक टेस्टिंग वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ, वो मैंने रिकॉर्ड करना भूल गया था. सो लेट्स सी द रिजल्ट. जैसे आप देख सकते हो, टोटल नंबर ऑफ ट्रेड 100 था, उसमें से 51 वॉज विन एंड 49 वॉज लॉस. सो विन रेट हुआ 51%, टोटल गेन इन एन अकाउंट वॉज 67.81%, मैक्स ड्रॉडाउन इज -8.43%, कंटिन्यूस विन इन अ रो वॉज 5 एंड लूज इन अ रो वॉज 8. टोटल ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट वॉज 28.3 months, दैट इज 2.36 years. वेल स्ट्रेटजी इज क्वाइट इम्प्रेसिव, 67.81% गेन इन टेस्ट ड्यूरेशन ऑफ 2.36 years, विच इज गुड. द ओनली ड्रॉबैक इज द ड्रॉडाउन, विच इज -8.43%, विच इज नॉट बैड, बट इट इज मोर than I would like. For a simple and easy strategy, results are very good. Even though drawdown is little more, what I like about this strategy is आपको signal बहुत जल्दी मिलते हैं और frequent मिलते हैं. आप देख सकते हो test duration 28 months था. ये lowest है for any swing trading strategy tested on our channel. That too with a good gain. Kudos to Swapnaji Sharma for sharing such an amazing strategy. आप उनका video देख सकते हो, link in the description, और उनका channel भी review कर सकते हो. और comment में आपका review दीजिए उनके channel के बारे में. So I'll add the strategy in the Google sheet, link in the description. And this take the 4th position in the list. You can check the list and review or rewatch any specific strategy you like. So guys, if you like the video, please support us by subscribing to the channel and hitting the bell notification, and do like the video and share the video. Agar aap humko support karna chahte ho to UPI ID screen pe hoga. Please comment mein aapke feedback dijiye aur kaun si strategy aap chahte ki hum back test kare apne future videos mein, ye bhi zarur batana. Aap hamare channel ke playlist dekh sakte ho aur dusre strategies ke video bhi dekh sakte ho. All the social media links will be in the description. Please follow us and show your support. More awesome contents are on the way. So see you next time.